लाल किला, 15 अगस्त और बहन झंडे फहरा रही हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल, बस रात दिन यही सपना है, हर किसी बहुजन का, गरीब का यही सपना है कि 15 अगस्त और बहन जी झंडा फहरा रही हैं लाल किले पे। बहन जी जब दाड़ती हैं तो 8-8 लाख के कोट वालों की पैंट गीली हो जाती हैं, ये मामले होते हैं। इन्होंने सरकारी नौकरी ख़त्म कर दी हैं। सरकारी नौकरियां ख़त्म की हैं क्यों? क्योंकि शिक्षा ख़त्म करते जा रहे हैं तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो सरकारी नौकरी की ज़रूरत क्या पड़ेगी? 400 पार क्या, ये नहीं बता रहे हैं, मैं बता देता हूँ क्या बता रहे हैं। 400 पार आपका जो खाने का तेल है वो 400 पार, जो आपका पेट्रोल है वो 400 पार, ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। किसके? ये नहीं बताया था कि अडानी अम्बानी के आएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि महंगाई जाएगी, तो उन्होंने कहा, ये नहीं बताया था कि कहाँ जाएगी, कि गरीबों के घरों में जाएगी, ये नहीं बताया, वो गई। अच्छे दिन आए उनके, अडानी अम्बानी के। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हम लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। अब आप समझ सकते हैं, या तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे या अब्दुल कलाम आज़ाद साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, बहुजनों की लड़ाई को बड़ी ताकत से लड़ते हैं, छुपे हुए चेहरे हैं, बहुत आसानी से नज़र नहीं आते। आज हमारी विशेष मुलाकात पे हो रही है। सर स्वागत है सर्वप्रथम आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले मैं सबसे पहले आपका जो शुक्रगुजार हूँ आपका जी, SM न्यूज़, आप लोग हकीकत दिखाते हैं। आप लोग के साथ में दिक्कत ये है कि आप लोगों को दबाने की कोशिश भी की जाती है, क्योंकि आप बहुजन की बात करते हैं, आप सच्चाई की बात करते हैं, आप अम्बेडकर की बात करते हैं, आप लोगों पर दिक्कत भी आती है, लेकिन साधुवाद है आप लोगों को कि आप लोग फिर भी अपनी जो जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। समझ सके होंगे कि इस वक्त मुस्लिम चेहरे से हम मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन बहुजनों के दर्द को, उस उत्पीड़न को अपने सीने में लेके जीते हैं। आप पीछे भी देखेंगे, संविधान नज़र आ रहा है, बाबा साहब का प्रिम्बल नज़र आ रहा है वहाँ पे। आप देखिए कि बाबा साहब के बहुत प्रेमी हैं, और इसी प्रेम को देखते हुए बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती भी मोहर लगाने जा रही हैं, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। सर आपके नाम दिल्ली से MP लोकसभा चुनाव के लिए रखा जा रहा है, कैसा महसूस करते हैं अगर बहन जी मोहर लगा देती हैं तो? पहले मैं बात कहूँगा बहुजन की, या बहुजन की बात कर रहे हैं, बहुजन प्रेम की बात कर रहे हैं जी, तो बहुजन प्रेम की बात आती है तो बाबा साहब का नाम आता है जी, और बाबा साहब की जयंती अभी मनाई है हम लोगों ने, कई सालों से मना रहे हैं। और मुझे जहाँ तक पता है कि मेरा जो रिश्ता है बहुजन से, वो रिश्ता इस तरीके से है कि मेरी जो पैदाइश है वो है 26 जनवरी जी। 26 जनवरी को कानून किया उन्होंने, लेकिन हम जो बात यहाँ पर करेंगे कि उनकी चीज़ों को बढ़ाया आगे काशीराम साहब ने, काशीराम साहब ने जो उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाया है, लेकर के आए हैं और एक दिया बहुजन समाज पार्टी, एक नाम दिया है जी। हमारी पार्टी को इसमें ये है कि बहुजन है कौन। बहुजन हर वो व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, SC ST हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, दबा कुचला हो, किसान हो, मजदूर हो, वो लोग जो धन्ना सेठ हैं उनके अलावा सब, जो मनुवादी हैं उनके अलावा सब बहुजन हैं। अब बात इसमें इस तरीके से करेंगे कि जो दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें अधिकार नहीं मिलते हैं, मैं बात करूंगा उन लोगों की कुछ इस तरीके से कि झुग्गियाँ हैं, कई झुग्गियाँ दिल्ली में ऐसी हैं, 15 साल पहले झुग्गियाँ वही थी, आज भी वही हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है उसके अंदर, तो वो बहुजन है। उसमें कौन है? हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, SC ST भी हैं, OBC भी हैं, माइनॉरिटी के सब लोग हैं, तो वो सब बहुजन हैं। अब उन बहुजन के दर्द को, प्रेम को समझा बाबा साहब के बाद काशीराम साहब ने। काशीराम साहब ने जो आदेश किया बहन जी को, बहन जी ने 4-4 बार इस सफल सरकार दी है। और जब UP में मैंने देखा, क्योंकि मैं यूपी का ही, पैदाइश मेरी वहाँ की है, मेरा जो जन्म वहाँ का है और मेरा कर्मस्थल यहाँ का है दिल्ली का, बहन जी का जन्म जो है दिल्ली का है और कर्म भूमि उनकी रही है, यूपी की रही है, तो वहाँ देखा तो लोग बार बार, हम लोग कहते हैं इस बात के लिए, और हमने लोगों ने देखा है कि सरकारी अफसर वहाँ पर 9:30 बजे ऑफिस में हुआ करते थे, भ्रष्टाचार बंद हो गया था, कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कोई नहीं हुआ, मुझे रिकॉर्ड पर दिखा दें कि हुआ हो तो। और उसके बाद में उन्होंने सभी समाज के लिए किया है, वहाँ पर उन्होंने पार्क वगैरह बनवाए हैं, ज़मीनें दी हैं लोगों को, रोज़गार दिए वहाँ पर, साथ ही साथ उन्होंने मुसलमानों के लिए मदरसों का भी गठन कराया है वहाँ पर, मदरसा बोर्ड का भी गठन कराया है वहाँ पर, 169 मदरसों को उन्होंने जो है मान्यता दी
उसके बाद में 27% मुसलमानों को आरक्षण भी दिया ओबीसी के अंतर्गत। तो लोग पढ़ पाए, वहाँ के लोग शिक्षित हैं, रोज़गार उनको मिला हुआ है, वो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट्स हैं, मैं खुद एडवोकेट आपके सामने बैठा हूँ, तो जजेस भी हैं। इसलिए कि ये चीज़ कैसे हो पाई, एक सोच है, एक विचार है, और बहन जी ने वो सफल सरकार दी है यूपी के अंदर। आज अगर हम देश के हालात को देखें, देश सुरक्षित नहीं है, देश में गरीबी जो कि त्यों बनी हुई है, रोज़गार नहीं है, मेन समस्या आज जो है मंदिर मस्जिद की प्रॉब्लम नहीं है, आज जो है किसी के हिंदू या मुसलमान के खतरे की नहीं है, आज जो समस्या है वो महंगाई है, आज जो समस्या है वो रोज़गार है, तो इन रोज़गार को सही से मैनेज नहीं किया जा रहा है। मेरा कहना ये है कि बहन जी अगर प्रधानमंत्री होंगी तो चूँकि वो दलितों का दर्द समझती हैं, बहुजन का दर्द समझती हैं, मुसलमानों का दर्द समझती हैं, एससी एसटी मजदूर किसान का दर्द समझती हैं, तो वो इसको देखेंगे कि इसको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। आपने उनकी कार्यशैली देखी होगी, भाषा शैली देखी होगी कि आज वो किसी भी व्यर्थ भाषा का प्रयोग नहीं करती हैं, संवैधानिक भाषा का प्रयोग करती हैं, किसी को तू टलाक से नहीं बोलती हैं, किसी भी पार्टी के बारे में बुराई नहीं करती हैं। और जिस सरकार को जब भी उन्होंने इंगित किया है, जब भी उन्होंने बताया है कि भाई सरकार ये गलत काम कर रही है, कोई अगर कोई एट्रोसिटी होती है उसके लिए कहते हैं कि ये एट्रोसिटी हुई है, ये गलत हुआ है, इसमें संज्ञान लिया जाए, सरकार ये गलत कर रही है, इसमें इस काम को किया जाए, तो ये एक संवैधानिक भाषा है, विपक्ष की जो संवैधानिक भाषा होनी चाहिए। तो जब उन्होंने ये दर्द समझे हैं, सारी चीज़ समझी हैं, तो मुझे लगता है कि अगर बहन जी प्रधानमंत्री होंगी देश में तो हमारा देश सुरक्षित होगा, क्योंकि बाहुबल वही दे सकती हैं, शैक्षिक बल वही दे सकती हैं भारत को, शिक्षा के जैसे इस सरकार ने क्या किया है कि आपने देखा होगा हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में करीब 3,000 से ज़्यादा स्कूलों को उन्होंने बंद करा दिया सरकारी स्कूलों को, तो क्या होगा, हमारा बच्चा शिक्षित नहीं होगा। जब शिक्षा ही बहुत महंगी हो जाएगी तो कौन गरीब पढ़ पाएगा, कोई शिक्षित हो नहीं पाएगा, शिक्षा खत्म कमज़ोर हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें कि भाई इन्होंने सरकारी नौकरी ख़त्म कर दी हैं, सरकारी नौकरियाँ ख़त्म की हैं क्यों, क्योंकि शिक्षा ख़त्म करते जा रहे हैं तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो सरकारी नौकरी की ज़रूरत क्या पड़ेगी। ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें बहन जी के आने पर बंद हो जाएंगी। और हम सब क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी लगातार कह रही है 400 पार और आप कह रहे हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, बहन जी कहीं मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, उनका नामोनिशान नज़र नहीं आ रहा है, लोग कह रहे हैं बीएसपी ख़त्म हो गई है, आपको चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी का एक तरीका है बात को कहने का जी, वो कभी पूरी बात नहीं कहते, जैसे वो कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, किसके ये नहीं बताया था कि अडानी अंबानी के आएंगे, ठीक है, उन्होंने कहा था कि महंगाई जाएगी, तो उन्होंने कहा ये नहीं बताया था कि कहाँ जाएगी, कि गरीबों के घरों में जाएगी, ये नहीं बताया, वो गई, अच्छे दिन आए उनके अडानी अंबानी के, तो अब ये कह रहे हैं 400 पार। 400 पार क्या, ये नहीं बता रहे हैं, मैं बता देता हूँ क्या बता रहे हैं। 400 पार आपका जो खाने का तेल है वो 400 पार, जो आपका पेट्रोल है वो 400 पार, ये कह रहे हैं, क्योंकि इनका अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि भाई इनकी सीटें जाएंगी तो ये सब बेकार की बातें हैं, ये जाने वाली नहीं है। ये कितना भी ईवीएम को नुकसान पहुंचा दें, 20% से ज़्यादा ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो इसलिए इनका 400 पार नहीं जाने वाला है, क्योंकि 400 पार जाने के लिए इन्हें 20% से ज़्यादा कपला करना पड़ेगा जी। सारे कहते हैं कि पूरे देश के अंदर ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है, जय जयकार हो रही है पूरी, युगों युगों में मिलता है ऐसा प्रधानमंत्री। हाँ बिल्कुल, मैंने युगों में देखा है ऐसा प्रधानमंत्री जो खुद अपनी ही चीज़ों का एडवर्टीजमेंट करते हैं, विदेश मंत्री भी वही हैं, कानून मंत्री भी वही हैं, हर कार्य को अपने ऊपर लेकर के ये जो है काम हम बैठकर कर रहे हैं, खगोलीय वैज्ञानिक भी वही हैं तो वही करा रहे हैं जो कुछ करा रहे हैं, तो ऐसा जो है हमने जो दार्शनिक ऐसा जो प्रधानमंत्री जो चुटकुले सुनाता हो संसद के अंदर, ऐसा जो मजाक उड़ाने के लिए मजाक बनाने के लिए तरह तरह की मिमिक्री करता हो, तो ऐसा प्रधानमंत्री हमने वास्तव में नहीं देखा युगों से जी। इस प्रधानमंत्री को वास्तव में चेंज करना चाहिए, वरना तो ये जो ऐसे अशिक्षित प्रधानमंत्री को अगर हम चेंज कर दें तो इसको शिक्षित
जो है प्रधानमंत्री लाएं जो कम से कम ये संविधान की तरीके से बात करें, और शिक्षित प्रधानमंत्री सही तरीके से हमारे जो हैं बहन जी हैं, और बहन जी ही तरीके से इसको चला सकती हैं। क्या कहना चाहेंगे सर कि इस वक्त फ्री की बिजली मिल रही है लोगों को, फ्री की बसें मिल रही हैं, फ्री का पानी मिल रहा है, तो बसपा का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है, तो किस तरीके से इस फ्री की लड़ाई से आप लड़ पाएंगे, किस तरीके से लोगों को कन्वेंस करवाएंगे कि आपकी बहुजनों की अपनी पार्टी है बीएसपी? क्या लगता है ज़मीनी स्तर, और कितना मुस्लिम वोट को आप कन्वर्ट कर पाएंगे, दिल्ली के वोटरों को किस तरीके से रिझा पाएंगे और वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? देखिए, मछली पकड़ने के लिए चारा डालते हैं जी, चूहों को पकड़ने के लिए दाना डालते हैं, पक्षियों को पकड़ने के लिए दाना डालते हैं, तो जो ये फ्री का है ना, ये हमारे जो बोलने की जो आज़ादी है उसको छीनने का जी, ये एक जाल है जी। फ्री की चीज़ आप क्या दे पा रहे हैं? 200 रुपये 300 रुपये की बिजली फ्री आप दे रहे हो, यही ना जी। आपके घर में अगर रोज़गार होगा, 50,000 रुपये पर मंथ का रोज़गार होगा, तो इस फ्री की हमें ज़रूरत क्या है? 5 किलो राशन की आप बात कर रहे होंगे फ्री में, ये 5 किलो राशन एक आदमी 7 दिन से ज़्यादा खा पाएगा? 250 ग्राम एक टाइम का होता है, 3 टाइम रोटी नहीं खा पाएगा वो। तो ये जो है ये चारा है, ये चारा है, ये दिखाने के लिए कि भाई ये दाना डाल दिया आपके लिए, क्योंकि पेट भर नहीं है इसलिए चारा है फ्री का। आपके घर में 50,000 की नौकरी अगर होगी तो आपको ये फ्री के राशन की ज़रूरत पड़ेगी क्या जी? आपका फ्री का राशन वो 5 किलो राशन कितने का होगा? 250-250 रुपये का जी। इससे ज़्यादा इज्जत से आप कमा सकते हो अगर आपको रोज़गार मिलता है, इससे ज़्यादा कमा सकते हो और इससे ज़्यादा आप खा सकते हो। इनके फ्री की ज़रूरत नहीं है हमें जी। हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हमें रोज़गार की ज़रूरत है, हमें चिकित्सा की ज़रूरत है, हमें स्कूलों की ज़रूरत है, हमें अस्पताल की ज़रूरत है, हमें जो है तमाम चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी बढ़े, उसकी हमें ज़रूरत है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जाएंगे और किस तरीके से लोगों को कन्वर्ट कर पाएंगे बीएसपी के लिए? देखिए, अगर आप मेरी बात करते हैं तो चांदनी चौक से मैं प्रत्याशी हूँ। चांदनी चौक में मैंने 2 साल के अंदर 1100 मीटिंग की हैं, जो हमने कैडर की मीटिंग भी शामिल है उसमें, और हमारी जो है जनसभा भी हुई है जी, 1100 मीटिंग जी, तकरीबन से ज़्यादा कैडर मीटिंग करी है आपने? यस। बीएसपी तो ये बोलते हैं, तमाम लोग बोलते हैं कि अभी बसपा के कैडर खत्म हो गए हैं, आप कह रहे हैं 1100 मीटिंग करी है आपने? बसपा की सांसें हैं कैडर जी, और ये जब तक कैडर रह गए बसपा की सांस चलेगी जी, और ये कभी ना तो बंद हुए ना बंद हो सकते हैं। ये संगठन है कि विचारधारा ही है जी, विचारधारा कभी आपको मार नहीं सकते, आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये कहना उन लोगों की ख़त्म हो गई है, ये सब वो लोग कहते हैं जो फैलाते हैं कि बहन जी कुछ नहीं बोलती हैं, बहन जी कुछ नहीं कहती हैं। उन्होंने बहन जी का दहाड़ना भी देखा है, बहन जी जब दहाड़ती हैं तो 8-8 लाख के कोट वालों की पैंट गीली हो जाती हैं, ये मामले होते हैं। तो पर ये शब्द का खैर, ये चीज़ें हैं कि उनका तरीका है, एक अपना संवैधानिक भाषा की शैली है, वो उसका प्रयोग करती हैं जी। तो वो उतना ही बोलती हैं जितना ज़रूरत होती है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, अभी के जो चुनाव चल रहे हैं, 2024 के चुनाव चल रहे हैं, ये मोदी बनाम माया चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो चुनाव हैं ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं होता है जी, ये अधिकार है, संविधान का अधिकार है जी। ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक जरूर हो सकती है, लेकिन ये लड़ाई है गरीब मानस की लड़ाई है जी, ये लड़ाई है अल्पसंख्यक की लड़ाई है जी, ये बहुजन की लड़ाई है, ये गरीब की लड़ाई है, ये मजदूर की लड़ाई है, ये किसान की लड़ाई है। तो ये बनाम ये नहीं होता, ये वैचारिक लड़ाई है। वैचारिक लड़ाई ये है कि अगर हम ये कहें कि आज जनता खुश नहीं है, जनता खुश नहीं है ऐसी सत्ता से जो ट्रंप नमस्ते करवाते हैं, तो गरीबों को पर्दों में छुपा देते हैं जी, गरीबी नहीं हटाते हैं, गरीब को हटा देते हैं जी। तो ऐसी सोच से, ऐसी विचारधारा से हमारी लड़ाई है, हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा से हमारी लड़ाई है। इसमें बीजेपी बीएसपी की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई जो है वो गरीबों के लिए है जी। हमारी लड़ाई जो है उन दलितों के लिए है जी।
दबे कुचले लोगों के लिए, उन झुग्गी वालों के लिए, उन मजदूरों के लिए है जो एक आस लगाए बैठे हैं। मैं जिसे मैं गया हूँ क्षेत्र में, मैंने देखा है। सर, बड़े से बड़े नेता जो हैं इस वक्त बड़े घबराए हुए हैं, वो ईडी सीबीआई से घबराते हैं, तो आप नहीं घबराते सर? हम लोग असल में क्या है कि जब इस क्षेत्र में हम लोगों ने कदम रखा ना, तो हमने सोच के रखा कि हम लोग की पार्टी गरीब पार्टी है, हम लोग की पार्टी चलती है कार्यकर्ताओं के चंदे से, पब्लिक के चंदे से चलती है। वो कौन लोग होते हैं? वो गरीब लोग होते हैं, धन्ना सेठ नहीं होते। जो आज आपने सुना होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में, सभी को इलेक्ट्रल बॉन्ड मिले, टीएमसी की भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि और विपक्षी लोगों ने हमसे ज़्यादा लिए हैं। मतलब कहने का ये है उनका कि हमने तो चोरी की है जी। आपने हमसे ज़्यादा चोरी की है। और आप कौन हैं? आप मालिक हैं, आप चौकीदार हैं, आपने चोरी होने कैसे दी? आपने खुद भी चोरी की और दूसरों को भी कराई। इसका मतलब एक शब्द है कि चोर चोर मोसेरे भाई जी। और हम कौन हैं? हमारे नाम पर जीरो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, यानी कि हमने एक पैसा भी किसी धन्ना सेठ से नहीं लिया है, किसी भी कारोबारी से नहीं लिया है। हमने कोई भ्रष्टाचार ना तो किया है ना हम करेंगे। हमारी जो सोच है वो आम जनता की सोच है, हमारी जो सोच है वो गरीब की सोच है, गरीब को का विकास के लिए हमारी सोच है। हमें जो जो एक वो क्या कहते हैं कि वो लेते हैं धन्ना सेठों से पैसे लेते हैं और उनको और अमीर कर देते हैं, गरीब को वो और गरीब कर देते हैं। हमारी विचारधारा कहती है कि हमें समानता लानी है जी। मानव मानव एक समान जी। ये हमारी विचारधारा है, लड़ाई इस बात की है। 2024 में बहन जी की आप लगातार बात कर रहे हैं, तो बहन जी को कहाँ देखते हैं? दिन रात एक सपना है, लाल किला, 15 अगस्त और बहन जी झंडे फहरा रही हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल, बस रात दिन यही सपना है, हर किसी बहुजन का, गरीब का यही सपना है कि 15 अगस्त और बहन जी झंडा फहरा रही हैं लाल किले पे। दिल्ली के अंदर 7 के लोकसभाएं हैं, तो अपने आप को कहाँ देखते हैं आप, या BSP को कहाँ देखते हैं वो बताएं, और कितनी सीटों पे देखते हैं? खुलकर बोलूं तो 14 अप्रैल को नारंगी रंग दिल्ली में पूरा नीला कर दिया गया, पूरा दिल्ली नीला हो गया था। बाबा साहब की जय जयकार थी, BSP की जय जयकार थी, काशीराम जी अमर रहें इस बात की जय जयकार थी, बाबा साहब अमर रहें इस बात की जय जयकार थी। सभी जगह इतना सब चीज़ था कि हमने एक सर्वे कराया है और लोगों से पूछा कि सब लोग इतने इकट्ठे हुए हैं तुम्हारा वोट कहाँ जाएगा, तो सब ने एक ही बात कही कि मोहर लगेगी हाथी पर। आपने हमारे साथ अब्दुल कलाम जी ने बताया कि जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मान बहन जी हैं वो एक स्वाभिमानी महिला हैं और वह पूरे देश के जितने भी बहुजन हैं वह चाहते हैं इस वक्त, जैसे इलेक्ट्रिक बॉन्ड की बात करी माननीय काशीराम साहब ने भी कहा था, जिसका लेंगे सहारा उसका मानना पड़ेगा इशारा, तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ना तो किसी का इशारा मानती हैं और ना किसी का सहारा भी लेती हैं। वह बहुजनों की लड़ाई लड़ती हैं, उनके चंदे से लड़ाई लड़ती हैं। आपने देखा होगा बहन जी अपने जन्मदिवस पर भी अपना चंदा इकट्ठा करती हैं, वो जो बहुजन समाज के लोग 1 रुपया 2 रुपया जो भी होता है उस अधिकारों से आगे की लड़ाइयाँ लड़ती हैं। और काशीराम साहब ने कहा था कि एक वोट एक नोट से अब हम सरकार बनाएंगे, अब 2024 में भी वही होने वाला है। और कलाम साहब ने कह दिया है कि 2024 में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती लाल किले से झंडा फहराने वाली हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया और हमारे से बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद SM न्यूज़ का भी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है, इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया, आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास,
संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है, आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट, बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं, कितनी किताब आपको चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।